जब से थोड़ा बारिश कम हुई है, मानसून समाप्ति की ओर है, तब से यात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अभी लगभग 16,500 तीर्थयात्री जो है वो श्री केदार में दर्शन कर चुके हैं। कल की फिगर जो है वो 538 की है श्री केदार में दर्शन करने वालों की। और इसमें जो गाइडलाइंस मिली थी देवस्थानम बोर्ड से, जो गाइडलाइंस रहती है उनका पालन किया जा रहा है। जैसे जो आउट ऑफ स्टेट आ रहा है वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा 96 आवर्स के अंदर ही। इसके अलावा जो स्टेट के अंदर से भी आ रहे हैं का भी प्रशासन के द्वारा एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद ही उनको भेजा जा रहा है। और 65 साल से ज़्यादा के उम्र के व्यक्ति को, 10 साल से कम के बच्चों को अभी मना किया गया है, उनको नहीं भेजा जा रहा है। और सारी चौकियाँ व्यवस्थित हैं और फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है। SDRF की भी सारी पोस्ट चल रही है और प्रॉपर तरीके से यात्रा चल रही है। और इसमें जो मंदिर समिति ने डिसाइड किया था, मेन टेम्पल के अंदर तीर्थयात्री जो श्रद्धालु हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके बाहर ही एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से कि वो दर्शन करते हैं, जिससे कि प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे।